हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड परम। फ्रेंड्स, बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब हमारे अंदर से निकलने लगता है वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और ऐसा बहुत बार शिकायत में से ही निकलता है। ये शिकायत दोस्तों किसी व्यक्ति के प्रति हो सकती है, स्थिति परिस्थिति या लाइफ में कुछ होने या ना होने की वजह से हो सकती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस कहती है कि ये सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। जो भी आज हमारी लाइफ में है, हम उसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेटाइज करते हैं। अध्यात्म कहता है कि जो भी आज कुछ हमारी लाइफ में है या कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने ही उसको अपनी लाइफ में इनवाइट किया है या अट्रैक्ट किया है। इसका मतलब साइंस और अध्यात्म बात तो दोनों एक ही बोलते हैं। अब यदि ये बात सही है तो ये बात भी सही होती है दोस्तों। यदि हम ही जिम्मेदार हैं तो हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। बस सिर्फ ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जो भी आज लाइफ में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से आप संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं, परेशान हैं, जिसकी वजह से आप बोलते हैं मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों, बस थोड़ा यहाँ पर आपको अपने फोकस, अपनी अटेंशन या अपने एनर्जी के फ्लो को चेक करना होगा या देखना होगा। क्योंकि जहाँ पर भी हमारी एनर्जी, जहाँ पर भी हमारी अटेंशन जाती है, जहाँ पर भी हमारा फोकस जाता है, हमारी एनर्जी वहीं पर फ्लो करती है। और एनर्जी जहाँ पर फ्लो करती है वही चीज़ ग्रो करती है। मान के चले कि जहाँ पर भी आप ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप ज़्यादा सोचते हैं, अपना फोकस अटेंशन वहीं पर रखते हैं, आपकी एनर्जी इनडायरेक्टली वहाँ पर जाती रहती है। और एनर्जी जाएगी तो वो चीज़ ग्रो करेगी, ये निश्चित है। साइंस इस बात को मानती है। इसे मान के चलें कि यदि आप किसी पौधे को या किसी पेड़ को पानी देते हैं तो लगातार पानी यदि देते रहेंगे तो बड़ा होता रहेगा। अब पानी ये नहीं समझता कि वो पौधा या प्लांट या पेड़ जिसको आप पानी दे रहे हैं, बड़ा होकर के उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे या कांटे लगेंगे। पानी सिर्फ उसको बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं सहायता करता है। इसी तरह से हमारी एनर्जी भी जहाँ पर जाएगी वहीं पर उस चीज़ को ग्रो करने में, उस चीज़ को बड़ा करने में हेल्प करेगी। और इसी की वजह से बहुत बार हमें पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में एनर्जी का फ्लो, फोकस या अटेंशन कहाँ है। और वो ऐसी जगह होता है कि वो परिस्थिति जिसे हम जीवन में नहीं चाहते वो ग्रो करती रहती है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते, परिस्थिति हमें कंट्रोल करने लगती है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इस समस्या से, मुसीबत से बचने के लिए अपने एनर्जी के फ्लो को हमें चेक करना होगा और उसको चेंज करना होगा। और जैसे ये शिफ्ट हमारे जीवन में आती है तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन की कहानी बदलना शुरू हो जाती है। पहले इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी और समझनी होगी। क्यों? क्योंकि यदि हम ही उसको मैग्नेटाइज करते हैं, हम ही अट्रैक्ट करते हैं, साइंस और अध्यात्म दोनों इस बात को मानते हैं, तो यहीं पर हम मान करके अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और जैसे हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं हमारे जीवन की कहानी बदलनी शुरू होती है। मान के चलते हैं दोस्तों कि आपको किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार से, किसी बिहेवियर से परेशानी है। जनरली परेशानी व्यक्ति से नहीं होती, व्यक्ति के व्यवहार से होती है। जिस व्यक्ति के व्यवहार से आपको परेशानी है उसका वो व्यवहार आपको सूट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, या उसका वो व्यवहार अपने आप में ठीक नहीं है। लेकिन उसी व्यक्ति के पास दोस्तों अच्छा व्यवहार भी ज़रूर होगा। दूसरों को हो सकता है उसके कुछ व्यवहार, कुछ उसका बिहेवियर अच्छे लगते हों, लेकिन वो उसका नेगेटिव बिहेवियर आपकी तरफ आता है, दूसरों की तरफ नहीं जाता। इसलिए आपको उससे शिकायत है, दूसरों को उससे शिकायत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सोचने और समझने की ज़रूरत है, सिर्फ उसका वो नेगेटिव बिहेवियर या गंदा व्यवहार आपकी तरफ ही, आपके लाइफ में ही क्यों अट्रैक्ट होता है, दूसरों की तरफ क्यों नहीं जाता। यहाँ पर सिर्फ हमें अपना फोकस, अटेंशन को चेंज करें। उसी व्यक्ति के अंदर जिसका एक नेगेटिव बिहेवियर आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आज आप दुखी हैं या परेशान हैं, उसके अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर अच्छा व्यवहार, कोई ना कोई तो पॉजिटिव बिहेवियर रहा होगा आपके प्रति लाइफ में। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आज भी होगा या पास्ट में भी रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अटेंशन, आप अपना फोकस उसके उस पॉजिटिव बिहेवियर, उस अच्छे बिहेवियर की तरफ ले जाएं, उसी के बारे में सोचें, उसी को अटेंशन दें। और यदि आप उसी को अटेंशन देंगे तो वहाँ पर आपकी एनर्जी इनडायरेक्टली उसको फ्लो करेगी, और फ्लो करेगी उस एरिया में, फ्लो करेगी उस बिहेवियर के लिए फ्लो करेगी, तो वो बिहेवियर उसका ग्रो करेगा, एनर्जाइज होगा और आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगा। और ये काम आप साइलेंटली कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर बिहेवियर को एनर्जी, अटेंशन, फोकस ना दें जो आपको परेशान करता है। बार बार उसके बारे में आप ना सोचें,
आप उसके किसी भी अच्छे बिहेवियर के बारे में सोचें जो आज या पास्ट में कभी भी रहा हो। इस तरह से आप उसके नेगेटिव बिहेवियर को दोस्तों वीक कर सकते हैं और अच्छे बिहेवियर को एनर्जाइज कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और आप पाएंगे कुछ ही दिनों बाद उसका बिहेवियर बदलने लगा। क्यों? क्योंकि जब आप एनर्जी दे रहे हैं, उसके पॉजिटिव बिहेवियर को दे रहे हैं, वही वहाँ पर मैग्नीफाई होगा, वही एनर्जाइज होगा, वही आपकी लाइफ में लौटेगा और आपको पता चलेगा कि यस, अभी तो ऐसा था लेकिन अब उस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगा। ये सिर्फ आपको अवेयरनेस और आपको साइलेंटली अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करना होगा और आप इसे कर पाएंगे और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अब मान के चलते हैं दोस्तों, कुछ परिस्थिति है आज के टाइम में जो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति आज आपके लाइफ में है। यहाँ पर यदि आप उस परिस्थिति के बारे में मैक्सिमम टाइम सोचते हैं तो आपकी अटेंशन, आपका फोकस उस एक नेगेटिव परिस्थिति पर है जो आपके लाइफ में आज चल रही है। यहाँ पर आप उसको फिर से एनर्जाइज कर रहे हैं, यहाँ पर फिर आप उसको पानी देते हैं, यहाँ पर आप उसको फिर से हावी होने के लिए, अपने को डोमिनेट करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए फिर आप गलती करते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहां पर फिर अपनी अटेंशन को, फोकस को चेंज करना होगा। आपके जीवन में आज भी जरूर कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जो अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। अपने फोकस और अटेंशन को मैक्सिमम टाइम आप उसके ऊपर रखें और जैसी आप अच्छी परिस्थिति सिचुएशंस के लिए अपने फोकस या अटेंशन को रखते हैं तो वो अपने आप में एम्पावर होने लगती हैं, एनर्जाइज्ड होने लगती हैं। इसका मतलब नेगेटिव सिचुएशन वीक होने लगेगी और पॉजिटिव जो आपकी लाइफ में आज है वो अपने आप में एम्पावर लेने लगेगा, शक्तिशाली होने लगेगा और आप पाएंगे कि जैसे पॉजिटिव सिचुएशंस और ज्यादा अपने आप में एनर्जाइज्ड हुई तो वीक सिचुएशंस अपने आप में वीक होगी और आप उसको इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, आप इजीली उसको डोमिनेट कर पाएंगे। वो परिस्थिति आपको डोमिनेट नहीं करेगी, आप उसको डोमिनेट कर रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम आप अपना फोकस चेंज करें, उस परिस्थिति को जो आज आपको डिस्टर्ब करती है उस पर काम करें, एक्शन लें, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका फोकस एक्शन लेने के बाद में थिंकिंग प्रोसेस आपका आपकी लाइफ में जो आज अच्छा है, जो फेवरेबल सिचुएशन है उन पर होनी चाहिए, तभी आप उनको एनर्जाइज कर पाएंगे। लो ऑफ एनर्जी है, इसी तरह से आप उनको एनर्जाइज कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उनको एनर्जी भेजते हैं। दोस्तों मान के चलते हैं कुछ आपके लाइफ में नहीं है जो आप चाहते हैं आपके लाइफ में होना चाहिए और यदि मैक्सिमम टाइम आप जो नहीं है वहीं पर सोचते हैं तो इसका मतलब आप एक गरीब होने की फीलिंग को एनर्जाइज कर रहे हैं, आपका अटेंशन, आपका फोकस वहीं पर है और वो चीज़ आपकी लाइफ में बड़ी होती चली जाएगी। उसी तरह की सिमिलर सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती चली जाएंगी और आप कहीं ना कहीं स्कार्सिटी या कमी की प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करते रहेंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा होगा जहां पर आप अपने आप को रिच फील करते हैं, जहां आप अपने आप को अबंडेंस में पाते हैं, जहां आप अपने आप को अमीर फील करते हैं, बेहतर फील करते हैं, बहुत कुछ होने का एहसास जो आपको दिलाता है। बस अपने एहसास को, अपने फीलिंग को, अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को वहीं पर लगाना होगा दोस्तों और जैसे ही आप वहां पर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि वो पॉजिटिविटी, वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एम्पावर, एनर्जाइज्ड होने लगी, ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के आने लगी। जो कमी का एहसास था वो अपने आप में कम हो जाएगा। क्यों? कि जैसे ही पॉजिटिविटी बढ़ेगी, अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे आप अमीरी को, तो गरीबी अपने आप में खत्म होती चली जाती है। और यदि आप इस चीज को, इस फोकस को, इस अटेंशन को जरा भी अवेयरनेस के साथ रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखते हैं। साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह इसे समझाती है, अध्यात्म भी अलग अलग इसी तरह से समझाता है और बताता है और कहता है कि यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं या बेहतर जीवन जीना चाहते हैं दोस्तों, तो अध्यात्म भी यही कहता है कि मैक्सिमम टाइम आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहें, कृतज्ञता की भावना में अपने आप को रखें, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें, उसके लिए आप अपने आप में अमीर, रिच, बेहतर फील करें और इसी फीलिंग में से फिर आपकी दोस्तों प्रार्थना पैदा होती है। यही प्रार्थना है जो प्रभु से, परमात्मा से आपको जोड़ती है। यदि आप स्कार्सिटी पर, कमी पर जो नहीं है लगातार वहीं पर फोकस रहेंगे तो यहीं से दोस्तों आपके अंदर से शिकायत पैदा होती है और यही शिकायत है जो परमात्मा से तोड़ती है। मर्जी अब हमारी है कि हमें परमात्मा के साथ में प्रार्थना के साथ जुड़ना है या शिकायत के साथ उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाना है। प्रार्थना में रहेंगे तो दोस्तों सब कुछ धीरे धीरे मिलता चला जाएगा और शिकायत में रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ आम सोरेटो से छिनता चला जाएगा। लेकिन जरा सी अवेयरनेस से हम अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं, अटेंशन को शिफ्ट कर सकते हैं, एनर्जी के फ्लो को सही डायरेक्शन दे सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकता है। मैं समझता हूं दोस्तों कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं और यदि मेरी बात से आप जरा भी सहमत करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर
बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मैं समझता हूँ कि इस चैनल पर मिलने वाली सभी वीडियोज़ आपको ऑल राउंड पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करती रही होंगी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विश यू अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।